हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं नवरात्रि मेकअप लुक। सो हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। सो आज मैंने वाइट ड्रेस पहन रखी है एंड इसी पे हम मेकअप लुक करने वाले हैं। बहुत ही सिंपल और इजी मेकअप लुक होने वाला है, तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले मॉइस्चराइजर। सो ये है प्लम का मैटिफाइंग मॉइस्चराइजर, तो इसे मैं लगाने वाली हूँ। एंड ये काफ़ी अच्छा मॉइस्चराइजर है, आपकी स्किन को बहुत ही अच्छे से हाइड्रेट करता है और मैट रहता है, तो गर्मियों के लिए काफ़ी अच्छा होता है। का सनस्क्रीन जिसमें है SPF 50+ एंड ये है PA++++ UVA UVB। काफ़ी अच्छा सनस्क्रीन है, मैटिफाइड रहता है एंड काफ़ी अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। अगर आपकी ब्राउन स्किन टोन है सो ये काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि ब्लेंड हो जाता है अच्छे से, कोई भी वाइट कास्ट नहीं छोड़ता, विच इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस सनस्क्रीन। एंड इसे हम नेक पे भी लगा लेंगे और पूरे फेस पे लगा लेंगे। एज यू कैन सी उन्होंने 3 फिंगर्स पूरे भर के दिए है सनस्क्रीन, ताकि अच्छी तरीके से लग जाए। काफ़ी गर्मियाँ शुरू हो गई तो काफ़ी टैनिंग हो रही है, बाहर जाते हो आप तो सनस्क्रीन इज़ अ मस्ट। आप हो सके तो घर पे भी लगाओ, क्योंकि धूप तो घर पे भी आती है। सो या एंड मैंने अपना सनस्क्रीन लगा लिया एंड नाउ आई एम गोना रेस्ट फॉर सेकेंड। कुछ टाइम में हम इसे सेटल होने देंगे एंड उसके बाद हम अपना मेकअप स्टार्ट करेंगे। सो मैं प्राइमर के लिए माइग्लैम का ही प्राइमर यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मैं ट्रैवल कर रही हूँ सो मेरे पास ज़्यादा प्राइमर नहीं है। सो मैं हर वीडियो में अभी यही यूज़ करने वाली हूँ एंड सिर्फ इतना सा ये प्राइमर काफ़ी होता है आपके पूरे फेस को कवर करने के लिए एंड बहुत ही ज़्यादा आपके फेस को स्मूथ बना देता है, आपके पोर्स को क्लोज कर देता है। काफ़ी अच्छा प्राइमर है एंड काफ़ी टाइम तक ही स्टे करता है आपके फेस पे। एंड मैं इसे अपने आई लिड पे भी लगा ले रही हूँ एज अ आई बेस प्राइमर। सो या इसे मैंने पूरे फेस पे अच्छी तरीके से लगा लिया है एंड उसके बाद मैं यहाँ पे फाउंडेशन यूज़ करने वाली हूँ। ये है माइग्लैम का 24 आवर्स एंटी पॉल्यूशन फाउंडेशन एंड इसका शेड काफ़ी अच्छा है, मेरे स्किन से परफेक्टली मैच करता है। सो आई रियली लव दिस फाउंडेशन एंड एज यू कैन सी कितने अच्छे से ये ब्लेंड होगा। जितना बचा पूरा फेस पे कवर कर लेना है एंड मैं ये फाउंडेशन ब्रश से ब्लेंड करने वाली हूँ, बट उससे पहले मैं इस पे पूरा सेटिंग स्प्रे डालूंगी। ये है NYB का सेटिंग स्प्रे, इससे ना आपका बेस लास्ट लॉन्ग करता है एंड गर्मियों में ज़रूरत भी होती है। सो इससे ब्लेंडिंग भी काफ़ी इजीली हो जाती है, स्मूथ हो जाती है। एज यू कैन सी फिनिश भी आपका फाउंडेशन का काफ़ी अच्छा आएगा इससे ब्लेंड करने पे। एज यू कैन सी कितना ब्यूटिफुली ब्लेंड हुआ है ये स्किन में एंड हमने सेटिंग स्प्रे यूज़ किया है, सो इससे बेस आपका काफ़ी लास्ट लॉन्ग करेगा। एंड गर्मियों में अगर आप बीच बीच में ऐसे सेटिंग स्प्रे डालते हो अपने बेस में तो काफ़ी अच्छा होता है, आपका फाउंडेशन स्टे करेगा, ऑक्सीडाइज नहीं होगा जल्दी। एंड नेक्स्ट कंसीलर के लिए मैं यहाँ यूज़ करी स्विस ब्यूटी का कंसीलर इन अ शेड 06। ये मेरे स्किन से लाइट शेड है सो मैं इसे अपने आईज पे यहाँ हल्का सा से यूज़ करूँगी। एंड हम इसे थोड़ी देर के लिए सेट होने के लिए छोड़ देंगे, जिससे फुल कवरेज मिलेगा हमें
तब तक हम अपना कंटूरिंग कर लेते हैं। एंड कंटूरिंग के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ NYBay का स्टिक, ये NYBay का कंटूर स्टिक है, तो हम इसे यूज़ करेंगे एंड अपने फेस को कंटूर कर लेंगे। इसे सिर्फ ऐसे हाफ में ही अप्लाई करना है। एंड ये डबल चिन छुपाने के लिए आप यहाँ भी यूज कर सकते हैं ऐसे, इससे आपकी डबल चिन जो है वो अच्छी तरीके से हाइड हो जाएगी। हम पहले कंटूर ब्लेंड कर लेंगे एंड हमेशा कंटूर को ना ऊपर के साइड में ब्लेंड करना है इस तरीके से। एंड यहाँ वाला कंटूर हमेशा नीचे के साइड में ब्लेंड करना है जिससे आपकी डबल चिन जो है वो हाइड हो जाए। लुक एट दिस, फेस काफी शार्प लगने लगेगा इससे। एंड ना कंटूर को अच्छी तरीके से ब्लेंड करना, क्योंकि कंटूर अगर एक्स्ट्रा दिखेगा ना तो ऐसे लगेगा कि कट किया हुआ है फेस, तो काफी बुरा दिखता है। एंड आप चाहो ना कंटूर को इस तरीके से ब्लेंड कर सकते हो, अगर आपके यहाँ पे फैट ज़्यादा है ना तो उससे ये भी हल्का हल्का हाइड हो जाए। बहुत ज़्यादा डाउन नहीं खींचना है, हल्का हल्का सा बस से डाउन कर सकते हो। एंड मैं दूसरा ब्लेंडिंग ब्रश लेके ब्लेंड कर लूँगी। प्रोडक्ट आप अपने आईलिड पे भी ऐसे ही लगा लो, एक्स्ट्रा लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने अभी आई शेडो ही लगाना है डार्क कलर का। अगर लाइट कलर का आई शेडो लगाना है तो आप आईलिड पे कंसीलर अलग से अप्लाई करो। ये चीज ऐसे करने से ना ये चीज काफी ब्राइटन अप लगता है आपका, इस तरीके से ब्लेंड करने से। एज यू कैन सी आइज कितनी ज़्यादा ब्राइटन अप लग रही है एंड हमें फुल कवरेज भी मिला है। सो इस वीडियो का कंसीलर काफ़ी अच्छा होता है एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देता है वो, प्राइस वाइज भी काफ़ी सही है, तो आप ले सकते हो। मतलब कम प्राइस में काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट मिल जाएगा आपको, हाई एंड प्रोडक्ट ही कह सकते हो उसको। नेक्स्ट मैं यहाँ पे पोर्स का बनाना पाउडर ले रही हूँ एंड इससे मैं अपना कंसीलर सेट कर लूँगी। एंड मैंने सेम ब्रश लिया है इसी से, इस जस्ट एज यू कैन सी मैंने अपने नोज को अभी कंट्रोल नहीं किया है, सो अब मैं इसे ना ब्रॉन्जर से करूँगी, क्योंकि मुझे ना नोज पे शार्प कंटूरिंग पसंद नहीं है, सो आई एम गोइंग टू यूज़ ब्रॉन्जर। सो मैं ये पतला वाला ब्रश ले रही हूँ एंड ये पोज का ही ब्रॉन्जर है मैं यूज़ करने वाली हूँ, ये डार्क शेड में यहाँ से लेके पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक करना है। As you can see हमारी नोज भी कंट्रोल हो गई। एंड अब हम चलते हैं आई मेकअप की साइड। आई मेकअप के लिए मैं यूज कर रही हूँ ये Yukanvi का पैलेट, इतने सारे शेड्स हैं इसमें। एंड मुझे ना मेकअप काफी मिनिमल सा रखना है, तो मैं ये लाइट पिंक शेड में यूज करूंगी आई शेडो। हमें इस तरीके से राउंड राउंड करके ब्लेंड करना है।
टाइप का मैं एक पतला ब्रश ले रही हूँ एंड मैं ये ब्राउन शेड यूज करूंगी एज अ आई लाइनर। बहुत ही ज्यादा पतला नहीं लगाना है, रफली लगाना है, बहुत ज्यादा मोटा भी नहीं, बहुत ज्यादा पतला भी नहीं, मीडियम। केवल वो एक स्मोकी आई वाला इफेक्ट चाहिए। एज यू कैन सी मैंने हल्की सी विंग ड्रॉ करी है इसी से। यू कैन सी द डिफरेंस, कितना डिफरेंस आ गया दोनों आंखों में केवल इसके इफेक्ट से। सो हमें दूसरी आंख पे भी ऐसे ही बना लेना है हल्का हल्का सा करके। सो यार डन विथ दिस आई लुक एंड मैंने कोई भी शिमर यूज नहीं किया क्योंकि डे मेकअप लुक है और समर में हम कर रहे हैं, सो शिमर काफी ज्यादा हो जाएगा। सो मैंने इसे मैट ही रखा है एंड लोअर आईज के लिए मैं अगेन ये कलर यूज करने वाली हूँ अपनी। एंड ऐसे पतला सा ब्रश लेके हम इसे लोअर आईज पे अप्लाई कर लेंगे। एंड काजल के लिए मैं ब्राउन काजल यूज कर रही हूँ, ये शुगर पॉप का ब्राउन काजल है। आप ब्लैक काजल यूज कर सकते हो, इस लुक के साथ काफी अच्छा जाएगा। ब्लैक काजल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, मैं अपने बहुत सारे वीडियोस में एक बोल चुकी हूँ, सो इसलिए मैं ब्राउन यूज कर रही हूँ। एंड अगर आपको ब्लैक काजल पसंद है ना, ट्रस्ट में इस लुक के साथ वो बेस्ट जाएगा, सो आप वो यूज कर सकते हो। एंड नेक्स्ट मस्कारा के लिए मैं यहाँ माई ग्लैम का ट्विस्टेड मस्कारा यूज कर रही हूँ। आप चाहो तो आईलैश कर्ल करके भी मस्कारा यूज कर सकते हो, बट मैं एज यू नो वीडियो के चक्कर में बहुत ज्यादा मेकअप करती हूँ, सो मैं हमेशा अपनी आईलैशेस कर्ल नहीं करती क्योंकि उससे ना आईलैशेस आपकी वीक हो जाती हैं, तो हमेशा आपको आईलैशेस कर्ल नहीं करनी चाहिए। अगर कभी कभी आपको कहीं पार्टीज वगैरह में जाना है, कुछ जाना है, आपको अपनी आईलैशेस बहुत ज़्यादा वीक चाहिए, सो आप बड़ी कर्ल कर सकते हो। वैसे डेली बेसिस के लिए आई डोंट रिकमेंड यू टू कर्ल योर लैशेस। एंड एज यू कैन सी द डिफरेंस कि इधर मैंने मस्कारा अप्लाई किया है एंड इधर नहीं, सो कितनी आईज में डिफरेंस आया है। अगर आपको और ज्यादा अपनी लैशेस बिग चाहिए सो आप इस तरीके से अप्लाई कर सकते हो, इससे लैशेस और ज्यादा बिग दिखेंगी आपकी। आप अगर डेली के लिए मस्कारा यूज कर रहे हो ना, तो एक बात हमेशा याद रखना कि वाटर प्रूफ मस्कारा कभी मत यूज करो। अगर आप कभी कभी यूज कर रहे हो तो यूज कर सकते हो, बट डेली के लिए वाटर प्रूफ मस्कारा इज लाइक नो नो, क्योंकि वो आपके लैशेस को बहुत ज्यादा वीक कर देता है। सो आई डोंट रिकमेंड यू टू यूज वाटर प्रूफ मस्कारा, आप ऐसे नॉर्मल मस्कारा यूज कर सकते हो उसकी जगह। एंड या I'm done with this एंड अब मैं अपने आईब्रोज को सेट कर लूँगी। मैं यहाँ पे ब्लू हेवन का आईब्रो पेंसिल यूज कर रही हूँ। सबसे पहले कोम करके सेट कर लेंगे आईब्रोज को। इससे ना आपको पता चलता है, अगर आप ऐसे कोम कर लोगे ना, पता चलेगा कि आपको कहाँ पे फिल करना है और कहाँ पे नहीं। अगर ज़्यादा फिल कर लोगे तो उसके लिए भी आपके आईब्रोज काफ़ी फेक दिखेंगी, तो अच्छा नहीं दिखेगा। और वैसे भी आजकल नेचुरल आईब्रोज का फैशन है, सो जितना नेचुरल आईब्रोज आप बनाओगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो जितना नेचुरल आईब्रोज आप बनाओगे उतना ज़्यादा अच्छा दिखेगा।
एंड हमेशा ना यहाँ से फिल नहीं करना स्टार्ट करना, इधर से करो या फिर आप इधर से करो, आप कभी भी एकदम स्टार्टिंग से फिल करना स्टार्ट नहीं करना। एंड इसी के साथ हमारा आई मेकअप कंप्लीट होता है। एंड अब हम चलते हैं फेस की तरफ। सो या तो टिंट के लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ जस्ट हर्ब्स का लिप एंड चीक टिंट, काफ़ी ब्यूटीफुल सा पिंक शेड है जो कि मेरे लुक के साथ काफ़ी अच्छे से ब्लेंड होगा, सो हम ये यूज़ करने वाले हैं। एंड ये ब्रश है फ्लफी सा ब्रश, तो मैं डायरेक्ट ब्रश से यूज़ करूँगी इस तरीके से। ये क्रीम टिंट है, अगर आपको लिक्विड टिंट पसंद है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। मैं डेली बेसिस पे लिक्विड टिंट ही यूज़ करती हूँ, कभी कभी क्रीम टिंट भी चलता है। इसकी फिनिशिंग काफ़ी अच्छी है। अगर आपको ना आपका फेस कुछ ज़्यादा ही शार्प सा लुक चाहिए तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक टिंट यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज अगर मेरे जैसा पसंद है चीक्स पे तो आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। बट इसे ब्लेंड अच्छे से करना क्योंकि बहुत जल्दी सेट हो जाता है एक जगह पे, सो जितनी जल्दी आप ब्लेंड करोगे उतना अच्छा। और ना टिंट को कभी भी ऐसे ना एक ही बार में मत लगाओ, थोड़ा बिल्ड करो तो उससे फिनिश काफ़ी अच्छा आएगा। एक ही बार में बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट लेके लगा लोगे ना तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको कितना ज़रूरत है, एंड वो एक जगह पर बहुत अजीब सा दिखेगा, रेड रेड हो जाएगा आपका फेस। एंड नोज़ पे मुझे टिंट काफ़ी पसंद है, सो मैं हमेशा जब भी अप्लाई करती हूँ तो नोज़ पे ज़रूर करती हूँ। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप स्किप कर सकते हो। एज यू कैन सी कितना खूबसूरत दिख रहा है, एंड लुक के ओवरऑल लुक के साथ काफ़ी अच्छे से जा रहा है। सो या तो मेरे पास ये माई ग्लैम का हाईलाइटर है, मैं ये यूज़ करने वाली हूँ। बड़ा वाला फैन ब्रश इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत कम हाईलाइटर चाहिए, सो इससे बहुत ही हल्का हल्का लगेगा। एंड इस पॉइंट पे आपके अपने फेस को फिर से सेट करना है सेटिंग स्प्रे से। As you can see कितना ज़्यादा ग्लॉसी और शाइनी लग रहा है, बट अभी ये मैट हो जाएगा पूरी तरीके से। एंड नेक्स्ट हम यूज़ करने वाले लिपस्टिक, एंड लिपस्टिक के लिए मैं इनसाइड का लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ इन अ शेड, इसका शेड कहीं खो गया, शेड वाली स्टिकर उड़ गई है। मैं इसका शेड आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी ढूंढ के, अमेजोन पे या पर्पल पे, नाइका पे, कहाँ जहाँ पे भी मुझे मिलेगा मैं लिंक डाल दूंगी। आई गेस फ्लियोर है नाम, मुझे याद नहीं है। एक्चुअली इस शेड की मेरे पास दो तीन लिपस्टिक्स हैं, इससे थोड़ा लाइट एंड डार्क करके वो भी काफ़ी अच्छी है। इनसाइड की लिपस्टिक स्टे करती है आपके लिप्स पे। सो या दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा, पसंद आई तो कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना, एंड मेरे चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एंड या
अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू।